नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कारपूल हिंदी के एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आज हम खड़े हुए हैं सेलेरियो के सामने। जैसा कि पता है कि सेलेरियो को कल ही लॉन्च किया गया है। अभी हम आए हुए हैं प्रेम मेट्रो ग्वालियर में। तो यहाँ पर जो है इवेंट था, हमें बुलाया गया था, तो आज जो है हम सेलेरियो के बारे में सारी जानकारी लेंगे। अगर फ्रंट से देखेंगे गाड़ी काफ़ी अच्छी दिख रही है, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी क्यूट सी नज़र आ रही है। तो मैं आपको एक एक करके एक एक चीज़ें कवर करके दिखा दूँ। अगर आप साइड से देखेंगे तो यहाँ पर जो है मल्टी रिफ्लेक्टर हेलोजन हेडलाइट आपको मिल जाती है, यहाँ पर मिल जाता है टर्न इंडिकेटर, और फॉग लाइट की अगर बात करें तो फॉग लाइट मिल जाती है आपको यहाँ पर। और ये जो पूरा एरिया दिया गया है ब्लैक कलर में दिया गया है, काफ़ी जो है अच्छा लग रहा है। सेंटर की क्रोम ग्रिल की बात करें तो काफ़ी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी ब्रॉड जो है ग्रिल दी गई है। सेंटर में जो सुजुकी का लोगो है काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और इसका जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। और नीचे आप देखेंगे रेडिएटर ग्रिल, वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है। साथ में यहाँ पर स्केट प्लेट भी कलर रेड कलर में दी है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा टोइंग हुक, और बोनेट का जो डिज़ाइन है वो देख लीजिए, कुछ इस तरह का बोनेट का डिज़ाइन आपको देखने को मिला, काफ़ी स्लो भी कलर मिल जाता है। अगर साइड की बात करें तो साइड से अगर आप गाड़ी को देखेंगे तो कुछ इस तरह की दिखेगी गाड़ी साइड से। यहाँ पर आपको कुछ कर्व दिए गए हैं, और यहाँ आपको मिल जाते हैं 15 इंच के अलॉय व्हील। बीच में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। ORVM की बात करें तो यहाँ पर बॉडी कलर ORVM आपको मिल जाएंगे, साथ में टर्न इंडिकेटर भी मिल जाएंगे। हैंडल की बात करें तो कुछ इस तरह के आपको डोर हैंडल मिलेंगे, और रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों तरफ देखने को मिल जाएंगे इस गाड़ी में। ये जो कलर दिए गए हैं ब्लैक कलर में दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर क्वार्टर पैनल पर कोई भी ग्लास एरिया आपको नहीं मिलता है। फ्यूल लिड यहाँ से आपको खोलना होगा, मैं आपको पूरा व्यू दे देता हूँ। और अगर पीछे की बात करें तो पीछे का जो व्यू है उसमें जो टेल लाइट दी गई है वो कुछ इस तरह की आपको देखने को मिली। यहाँ से जो डिज़ाइन दिया गया है कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। रियर वाइपर आपको विंडशील्ड में मिल जाएगा, चूँकि पीछे जगह कम है तो मैं आपको ठीक से नहीं दिखा पाऊँगा। और साथ में यहाँ पर रिफ्लेक्टर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बड़ी सी नंबर प्लेट के लिए एरिया मिल जाता है। यहाँ पर भी जो है बूट खोलने के लिए एक बटन दिया गया है, और हैंडल भी मिल जाता है। सेंटर में सुजुकी का लोगो, यहाँ पर सेलेरियो की बैजिंग मिल जाती है, और आप यहाँ पर देखेंगे तो वॉशर जेट भी आपको देखने को मिल जाता है। रूफ आपको बिल्कुल प्लेन देखने को मिलती है इसमें। तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ साइड व्यू। तो यहाँ पर जो है काफ़ी लोग आ रहे हैं इंक्वायरी के लिए, तो थोड़ी सी भीड़ है। और एंटीना की बात करें तो एंटीना आपको कुछ इस तरह का मिल जाता है। थोड़ा सा गाड़ी के अंदर चल के देख लेते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाता है इस गाड़ी में। चलिए आप अंदर चल के देखते हैं। डोर पैनल की बात करें तो यहाँ पर पूरा जो डोर पैनल दिया गया है ब्लैक कलर में दिया गया है। यहाँ पर थोड़ी सी लेदर फिनिश आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये प्लास्टिक या लेदर नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, सिल्वर कलर में डोर हैंडल मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है, 1 लीटर का बोतल होल्डर मिल जाता है। यहाँ पर स्पीकर के लिए जगह मिल जाती है, और जो एंटर होने का एरिया है वो भी काफ़ी चौड़ा दिया गया है, तो आसानी से आप गाड़ी में अंदर चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन, और जो डैशबोर्ड है वो भी पूरा जो है ब्लैक कलर का आपको देखने को मिल जाता है। और पेडल्स की बात करें तो ये MT वेरिएंट है, तो आपको जो है पेडल कुछ इस तरह के मिलेंगे। साथ में यहाँ पर डेड पेडल भी अवेलेबल है। यहाँ पर जो है हेडलाइट बीम एडजस्टर आपको मिल जाता है, क्योंकि ये टॉप मॉडल है तो इसमें आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल जाता है। आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन का फीचर भी आपको मिल जाता है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो RPM। सीट की बात करें तो यहाँ पर फैब्रिक सीट आपको देखने को मिलेगी, कुछ इस तरह का फैब्रिक मिल जाता है विथ हाइट एडजस्टमेंट ऑप्शन के साथ में ये सीट आपको देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा हम अंदर चल के देख लेते हैं गाड़ी के। तो स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करें तो मैं थोड़ा सा जो है आपको लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो कुछ इस तरह की स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको स्टीयरिंग व्हील पर कंट्रोल भी देखने को मिल जाते हैं, बड़ा सा सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर AC वेंट आपको राउंड शेप में मिलेंगे कुछ इस तरह के, जिस पर सिल्वर हाईलाइट में फिनिश दी गई है। और जो टॉगल हैं लाइट के इंडिकेटर के कुछ इस तरह के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर वाइपर और जो वॉशर है उसके कंट्रोलर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो टिकट होल्डर मिल जाएगा, बाकी पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाएगा। सनसेट में आपको मैनुअल डे नाइट मिरर मिल जाता है। जो लाइट है कुछ इस तरह की मिलेगी केबिन की। यहाँ पर स्पीकर भी आपको देखने को मिल जाता है, चूँकि ये MT वेरिएंट है तो यहाँ पर जो गियर नॉब मिलता है कुछ इस तरह का मिलेगा। काफ़ी जो है स्टाइलिश गियर नॉब आपको देखने को मिल जाता है इस गाड़ी में। और इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो मैं इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको दिखाता हूँ पहले आपको। तो यहाँ पर आपको डिजिटल
आरपीएम मीटर यानी टैकोमीटर ही मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है एनालॉग स्पीडोमीटर मिल जाता है, सारी वार्निंग लाइट देखने को मिल जाती है। और इसमें मिलता है वही मारुति का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ऑक्स और यूएसबी, साथ में एफएम भी आपको इसमें मिल जाता है। तो ये वही सिस्टम है जो कि मारुति अपनी गाड़ियों में यूज कर रही है। इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। बाकी डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर जो है प्लेन फिनिश मिल जाती है, यहाँ पर कुछ इस तरह का टेक्सचर मिल जाता है और सेंटर का जो टेक्सचर है वो कुछ अलग तरह का मिलेगा आपको, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और सबसे जो अलग आपको देखने को मिलेंगे इसके जो सेंटर के एसी वेंट है वो इनका डिजाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाती है। साथ में इसमें आपको मैनुअल एसी मिल जाता है, यहाँ पर डिफोगर का बटन मिल जाता है और नीचे आपको ऑक्स और यूएसबी का पोर्ट कुछ इस तरह का मिलेगा। यहाँ पर मिल जाता है आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दिया गया है फ़ोन वगैरह रखने के लिए। यहाँ पर दो कप होल्डर मिल जाते हैं और जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर जो है AMT वेरिएंट है, आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी ये गाड़ी देखने को मिलती है। हैंड ब्रेक का जो लीवर है वो कुछ इस तरह का मिलेगा, यहाँ पर जो बटन है वो क्रोम के साथ में दिया गया है। बात करें दोस्तों पावर विंडो के कंट्रोल की तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है कंपनी ने, यहाँ पर पावर फ्रंट पावर विंडो के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं देखने को। यहाँ पर लॉक सिस्टम मिल जाता है, डोर को लॉक अनलॉक करने का फीचर भी आपको सेंटर कंसोल में दिया गया है, ये जो थोड़ा सा अजीब लगता है। और रियर पावर विंडो के स्विचेस आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स का साइज काफ़ी बढ़िया दिया गया है, यहाँ पर SRS एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, साथ में यहाँ भी आपको एक एयरबैग इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। तो जो डिजाइन है डैशबोर्ड का वो थोड़ा सा अलग है, अभी तक आपने जितनी भी गाड़ियों में देखा होगा मारुति को उससे थोड़ा सा अलग आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा जो है कर्व दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए अभी मैं आपको जो है थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बता देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए आपको जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे एडजस्ट करने के लिए कुछ इस तरह का लीवर मिल जाता है, जिसमें आपको इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी के साथ साथ सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। तो हम इसको ऑफ कर देते हैं। चलिए अब रियर में चलते हैं, बाकी के फीचर भी चेक कर लेते हैं। तो रियर डोर पैनल की बात करें तो यहाँ पर सेम ब्लैक फिनिश आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पर भी 1 लीटर का बोतल होल्डर मिल जाता है, थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है और यहाँ पर जो है सिल्वर हाईलाइट के साथ में आपको लीवर मिल जाते हैं। नीचे भी आपको स्पीकर मिल जाता है और जो एंटर होने का एरिया है वो भी आपको वाइड मिल जाता है। सीट की बात करें तो यहाँ पर फैब्रिक सीट मिलती है, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री ही आपको देखने को मिलेगी इसमें, तो फैब्रिक जो है सेम आपको देखने को मिलेगा जो कि फ्रंट में देखा था हमने। चलिए अब थोड़ा सा अंदर बैठ के देख लेते हैं कितना लेग रूम मिलता है। अगर नी रूम की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो है ठीक ठाक नी रूम मिल रहा है, सीट काफ़ी पीछे कर रखी थी मैंने, लगभग पूरी पीछे कर रखी है। फ्रंट सीट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं देखने को मिलेंगे, साथ में सेंटर में आपको कोई भी स्पेस नहीं मिलता है, ना ही कोई USB का पोर्ट मिलता है। और रियर से आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर ग्रैब रेल हैंडल कुछ इस तरह के देखने को मिल जाते हैं। और जो ये आप देख रहे हैं इनमें भी कोई जो है एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है, तो हेडरेस्ट आपको फिक्स मिलते हैं, एडजस्टेबल नहीं मिलते। यहाँ पर पार्सल सेल आपको मिल जाता है इस वेरिएंट में, क्योंकि ये जो गाड़ी है 5 लाख से स्टार्ट होती है लगभग, तो टॉप मॉडल में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी लेकिन बेस वेरियंट में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए आप बूट को ओपन करके देख लेते हैं। तो बूट को ओपन करने के लिए यहाँ पर हैंडल मिल जाता है आपको। बूट कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 313 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है इस गाड़ी में। स्पेयर व्हील की बात करें तो देख लेते हैं, यहाँ पर स्पेयर व्हील आपको मिलता है 14 इंच का स्टील व्हील आपको स्पेयर व्हील में देखने को मिल जाता है, तो 14 इंची का आपको स्टेपनी मिल जाती है। चलिए इसको लगा लेते हैं, आप देखते हैं इंजन को। तो जो इसका इंजन है वो 1000cc का मिलता है, जैसा कि आपको पता है सेलेरियो पहले भी जो है 1000cc के इंजन के साथ में आती थी, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो इंजन उसमें काफ़ी चेंजेस किए हैं कंपनी ने। तो ये है दोस्तों इसका इनलाइन 3 सिलेंडर BS6 K10C इंजन जो कि जनरेट करता है 86 PS का पावर और 90 mm का टॉर्क। ये वही K10 सीरीज इंजन है जो कि आपको सेलेरियो
और KTN में देखने को मिलता है, साथ में पहले वैगनार में भी आपको ये इंजन देखने को मिलता था, लेकिन अभी इसको अपग्रेड किया गया है। साथ में इसमें आपको जो है जबरदस्त माइलेज मिल जाता है, करीब 26.5 KMPL का माइलेज मिलता है आपको AMT ट्रांसमिशन के साथ में, और करीब 25.5 KMPL का माइलेज मिलता है आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। तो माइलेज काफ़ी अच्छा कर दिया गया है इस इंजन का। और ये BS6 इंजन है, पहले ये जो इंजन था सेम BHP जनरेट करता था, और अभी भी जो है सेम BHP और पावर जनरेट करता है। तो 67 BHP आपको इस इंजन से मिलेगी, साथ में 90 Nm का टॉर्क मिलेगा। तो इसमें कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। थोड़ा सा मैं आपको इंजन कंपार्टमेंट के कुछ पार्ट के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर AMT ट्रांसमिशन है, तो ये एक्चुएटर है जिससे गियर चेंज होते हैं। यहाँ पर इसका बड़ा सा कैटलिक कन्वर्टर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको AC का कंप्रेसर देखने को मिलेगा। ये है इस गाड़ी का एयर फिल्टर, और ये है इसकी विन प्लेट। यहाँ पर मिलता है इस गाड़ी का ECU, ये है फ्यूज बॉक्स, ये है बैटरी। यहाँ पर आपको विंडशील्ड क्लीन करने के लिए, फ्लूड भरने के लिए जगह दी गई है। यहाँ से आप भर सकते हैं ब्रेक फ्लूड। ये सेंट्रो लॉकिंग का बजर है, यहाँ से आप इंजन ऑयल चेक कर सकते हैं और यहाँ भर सकते हैं, और यहाँ से आप इंजन ऑयल चेक कर सकते हैं। तो ये जो इंजन है इसका हेड कवर चेंज कर दिया गया, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर पहले एल्यूमिनियम का हेड कवर मिलता था, अभी जो है ये पूरी तरीके से प्लास्टिक का कर दिया गया है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको कोई पैडिंग देखने को नहीं मिलती है, चूँकि ये बजट फ्रेंडली कार है, तो इसमें जो है थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की गई है। तो ये थी दोस्तों नई सेलेरियो, उम्मीद आपको ये गाड़ी पसंद आई होगी। अगर आप इसको बुक कराना चाहते हैं या टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं तो प्रेम मोटर ग्वालियर में आ सकते हैं, जहाँ पर जो है आपको ये गाड़ी अवेलेबल हो जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।